खुदा की कसम लाजवाब हो, एकदम लाजवाब। एक्चुअली सुबह से ये गाना गुनगुना रहा था, राफ़ी साहब का मशहूर गाना है, तो ये सर्विंग बोल में डालते टाइम इतना बढ़िया लग रहा था कि भाई अपने आप निकल गया ये गाना, एकदम लाजवाब। पनीर भुर्जिया बनाते हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं। 3 प्याज लिया हुआ मैंने, बिल्कुल छोटे छोटे काटा हुआ है, और टमाटर वो भी 3 लिया हुआ है, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे काटा हुआ है, और पनीर 1/2 kg लिया हुआ है। चलिए हमारे कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल 1 टेबल स्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम नॉन स्टिक में बना रहे तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और तेल गर्म होने तक इंतज़ार कर लेते। चलिए तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है और हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हमने बिल्कुल छोटे छोटे बारीक काटा हुआ है, बारीक इसलिए काटा हुआ कि जल्दी कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और बढ़िया तरीके से कुक हो जाए। हम इसको गोल्डन ब्राउन होने पर कुकिंग करेंगे, और गोल्डन ब्राउन इसलिए करना है और बढ़िया तरीके से कुकिंग करना है, अगर थोड़ा सा कच्चा बन जाएगा तो थोड़ा सा प्याज का मीठापन सब्ज़ी में आ जाएगा, कुछ लोगों को पसंद है कुछ लोगों को पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करता हूँ, इसलिए कि प्याज को बढ़िया तरीके से हम मिस करेंगे। हमारी कोशिश है कि भी रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए, रेस्टोरेंट स्टाइल क्या है, अपने घर पे जो भी चीज़ अपने हाथ से दिल से मन से तन से बनाओगे तो टेस्टी होगा। घर के खाने वैसे भी घर के खाने होते हैं, बढ़िया होते हैं। चलिए हमारा प्याज राजकुमारी जो भी हो ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, डालेंगे 3-4 हरी मिर्च डालेंगे, और साथ में डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट, इसको भी बढ़िया तरीके से हम कुक करेंगे। जब तक लहसुन प्याज इसकी कुक हो जाए तब तक इसको और बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे, ऐसे मिक्स करते रहना। जस ऑलमोस्ट डन, हम इसमें डालेंगे हल्दी, यानी कि 1/4 teaspoon हल्दी डालेंगे, उसके साथ हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप चाहे तो अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं, और ऑप्शनली आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डालने से ग्रेवी और थिक हो जाएंगी, यानी कि गाढ़ा हो जाएंगी और मसालेदार हो जाएंगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम इसमें एक टिप्स करेंगे। और साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला, स्टोरी चेंज हो गया गरम मसाला डालने के बाद। अभी ये इसका देखो कलर भी देखो कितनी निखार आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। इसको जब तक मसाला पक जाए तब तक इसको मिक्स करते रहना, और नमक ज़रूर डालना, नमक शमक तो पड़ना ही पड़ेगा ना, नमक डालने के बाद भी बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। यस, बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर जैसे कि मैंने पहले बोला 3 बड़े टमाटर लिया हुआ है, एकदम लाल टमाटर, इसको भी डाल के बढ़िया तरीके से कुक करेंगे। मुझे लगता है 2-3 मिनट और कुकिंग करने पड़ेगा। ओहो, मेरा कैमरा भी हिल गया, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ बढ़िया सा वीडियो बनाए, परफेक्शन साथ बनाए, लेकिन यही है भाई, चलते फिरते हाथ इधर उधर लग जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कुकिंग और वीडियो के साथ पकड़ना है। चैनल बड़ा होने दो, उसके बाद एक अपॉइंटमेंट करेंगे कैमरा मैन को। साथ में नौकरी कर रहे बीच में टाइम मिल जाता तो कुकिंग मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए जब भी टाइम मिलता मैं कुकिंग करता हूँ, टाइम पास भी हो जाता है, और क्या कहते हैं, बीवी भी खुश है, बच्चे भी खुश है, बढ़िया बढ़िया आइटम उनको खाने के लिए मिल जाता है। घर के खाने तो घर के खाने ही होते हैं, घर पे बना के खाना चाहिए, ये नहीं कि बाहर से नहीं खाना है, बाहर से भी खाओ, उनका भी रोजी रोटी चलना चाहिए। और क्या मज़ेदार लग रहा है,
टमाटर ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि करीब 2-3 मिनट के अंदर जल्दी से ये पक जाते हैं, क्योंकि आजकल जो टमाटर जो आ रहा है स्पेशली दिल्ली में समर सीज़न में जो टमाटर मिलता है कि ऑलरेडी थोड़ा गर्म रहते हैं। थोड़ा सा ग्रेवी का कार्य कर लेते हैं हम। ग्रेवी के लिए हमने करीब 1/2 कप पानी डाल दिया, इसके बाद बढ़िया सा उसको मिक्स करेंगे, और चाहे तो आप इसको ढक्कन बंद करके भी कुकिंग कर सकते हैं, जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। क्या बात है राजीव, कितना बढ़िया लग रहा है, ग्रेवी एकदम मस्त लग रहा है। अब दिल कर रहा है कि उसको आसिटीज खाऊँ, एकदम बढ़िया। थोड़ी देर और उसको कुकिंग कीजिए ताकि और टमाटर बढ़िया तरीके से कुक हो जाए। ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसको ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम इसमें डालेंगे करीब 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन को थोड़ा सा डाइल्यूट करके इसमें डालेंगे, चाहे तो सीधा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे मैं थोड़ा सा तेल डाल के उसको थोड़ा सा मिलाना पड़ता है ताकि लम्स वगैरह नहीं आ जाए, लेकिन हम इसको बढ़िया तरीके से डाइल्यूट किया, इससे पता क्या ग्रेवी और गाढ़ा हो जाएंगे और बहुत बढ़िया हो जाएंगे। नॉर्मली जो होटल वगैरह में जो ग्रेवी बनाते टाइम ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए ये बेसन डालता है, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कोशिश कर रहा हूँ, देखो कैसे बनते हैं। अब थोड़ी देर इसको हम ढक्कन बंद करके कुक करेंगे। हिंदी भी बीच बीच में गड़बड़ हो रहा है, लगता है फिर से मेरे हिंदी के सुधारने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेगा। आहा, बढ़िया 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 बढ़िया। हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, डालेंगे कस्तूरी मेथी, इसको नॉर्मली डालते टाइम हल्का सा गर्म करके हाथ से क्रश करके डालेगा ना, बढ़िया रहेगा। अब ग्रेवी ऑलमोस्ट बढ़िया हो चुका है, और आह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया 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 बढ़िया। कई बार वॉइस ओवर देते टाइम ना कहीं इधर उधर हो जाता है, कहीं वीडियो आगे चले जाते हैं पीछे चले जाते हैं, वेट करने पड़ेगा। आ जाओ 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 जी हाँ। अब समय आ गया कस्तूरी मेथी डालने के लिए। कस्तूरी मेथी हमने बिल्कुल हल्का सा गर्म करके क्रश करके डाला हुआ है, क्या बात है, इसको भी मिक्स करेंगे, और बस 1 मिनट और इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करना है जी हाँ। अब समय आ गया पनीर डालने के लिए। 250 ग्राम का 2 पैकेट लिया हुआ रेडीमेड पनीर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, सोचा था फुल क्रीम बनाऊंगा, फुल क्रीम में बनाने से ये फ़ायदा है, फ़ायदा क्या है, उसमें लुक ही बढ़िया आता है, वाइट एकदम वाइट होता है। ये मलाई पनीर है, मलाई पनीर में थोड़ा सा कलर वाइट टोन नहीं होता है। खैर जो भी हो, पनीर तो पनीर ही होता है, लेकिन इसमें मलाई है ऑलरेडी शरीर के अंदर, तो इधर उधर तो चर्बी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल तो इधर हो चुका है। अब जितना कुकिंग करेगा तो खाने तो पड़ेगा ना, हैं। एनीवे इसको ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िया तरीके से उसको जब तक मसाला उसके साथ घुल मिल जाए, ये अपने आप को ये दोस्ती करेगा, इसकी दोस्ती एकदम बढ़िया हो जाएगा, तो फिर क्या करना होगा, इसको सर्विंग बाउल में डाल के सजा के रोटी के साथ, चावल के साथ, ब्रेड के साथ, जिस मर्जी द बेस्ट साइड डिश, तो आप अपने घर पे बना दीजिए। और यस, टाइम टू पास ऑन टू सर्विंग बाउल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। बिल्कुल सोना बना दिया, टेस्ट देख के लग रहा है बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, क्योंकि मैं 2-3 हिंदी शब्द मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बेहतरीन, बढ़िया, लाजवाब। अब काम करेगा तो लाजवाब करने पड़ेगा ना, क्या बात है। चलो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिए, और बीवी बच्चे माता जी पिताजी दोस्तों को भी खिला दीजिए, और हमारे चैनल को और पसंद कीजिए, और बढ़िया बढ़िया आइटम के साथ जल्दी से आ जाऊँगा। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। एलपी राजीवन, बाय बाय।